जी उधर सब क्या हाल चाल है? ठीक है आपकी जी, माशाल्लाह से आपने इस्लाम स्टेट के ऊपर ट्रस्ट का जो हम एक स्लोगन है हमारा कि वी बिलीव इन ट्रस्ट, आपने आके हमसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या देख के आपने मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जो जिन्होंने अपील किया आपको कि आप हमारे साथ इसको इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को करें, काइंडली इसके बारे में बताइएगा। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, थोड़ा बहुत बंदा टेक्निकली भी देखे तो उसमें भी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक घर बनाना जो है वो तो हर बंदे का एक ख्वाब होता है, हमारी भी एक इसी तरह से स्ट्रेटजी थी कि हम भी अपना एक घर बनाएँ, और बैरिया टाउन में हमने लिया था प्लॉट यहाँ पर। और ड्रीम नेक्स्ट जिस बेसिकली और इस्लाम स्टेट जो बिल्डर हैं यहाँ पे, तो उनको हमने इस तरह लिया था कि हम लोग सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इनकी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं, तकरीबन डेली के करीब ही जो है वो अपलोड हो रही होती है, तो हम लोग देखते रहे तकरीबन 8-9 महीने से हम लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं इनकी, डिलीवर्स जो उन्होंने घर की हैं और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं। आज भी जो हम साइट आए हुए हैं ये भी हमने पहले भी यहाँ पे देखी है कि वीडियोज़ के अंदर की किस तरह वो डिगिंग वगैरह की सेरेमनी वगैरह हो रही होती है। तो आज इत्तेफाक है कि हमने यहाँ पे खुद ही एक साइट विजिट प्रैक्टिकली फिजिकली चीज़ें सारी खुद देखी, फिजिकली देखी। बाकी सिलेक्शन ऑफ बिल्डर और जो है जिससे आप बनवा रहे हैं घर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मटेरियल तो एक मैटर है ही, जो कि बहरिया की काफ़ी चीज़ें उसमें कंट्रोल्ड हैं, लेकिन जो बनाने वाला है उसकी जो अप्रोच है और जो उसका जो वे ऑफ डिलीवरी है आप वो देख लें, फिर जो जिस तरह यहाँ पे डिलीवर किए हुए हैं घर उनमें देखें अगर आप, तो उसमें जो है आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा ड्रीम नेक्स्ट का और जो बाकी बिल्डर्स के हवाले से चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी विज़िट यहाँ पे किए तो उनमें मैंने ये देखी है चीज़ के आपको आउट, जैसे मैंने ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से भी देखी है चीज़ें, सही सही उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक तो डिस्टिंक्शन ये है कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, जो फिजिकली हम वर्क कर रहे हैं वही हम अपने जी बिल्कुल। इसमें आप एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जितना थॉरो डिटेल वर्क आपको पेपर में मिलेगा जी जी, उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन वहीं पे क्लियर हो जाते हैं कि यार ये कैसे चीज़ें होती हैं, क्या है, एक स्टेप वाइज सारी चीज़ें जो है ना आपको डिटेल में मिल जाएंगी स्टेप वाइज में, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, चीज़ें एक्सप्लेनेशन भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर हमने यही स्टेप लिया। और बाकी आपका एक रैपो भी होती है, एक रेपुटेशन होती है सोशल मीडिया पर, जैसे हम लोग ज़्यादातर हम लोग आई टी से रिलेटेड हूँ मैं तो ज़्यादातर जो है नेट पे चीज़ें देख रहा होता हूँ, आइडिया है सारी तो बहुत से आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। ठीक है, टेक्निकल फील्ड तो मेरी नहीं है कंस्ट्रक्शन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कंपैरिजन में आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल सही, अब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप किसी को जज करना जो है, जैसे पहले होता था कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ड्रीम नेक्स्ट की एक बात ये है कि इनकी एक अपनी टीम है, वर्कर्स की टीम है, फिर एक इनकी मैनेजमेंट टीम है, अकाउंटेंट है, फिर ऑडिट के भी हैं इनके पास, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिलायंस यही आती है कि कोई चीज़ जो है आप मतलब एक पूरा सिस्टम में आ रहे हैं। बिल्कुल सही, एक पूरा एक सिस्टम है जो काम कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिजिकली आपने ये सारी चीज़ें देखी और आप रिकमेंड करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे एक बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह फर्दर भी आपका ही कॉन्फिडेंस है जिस पे हम मज़ीद भी इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर करेंगे। जी बिल्कुल डिलीवर, आप यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा क्या डिलीवर। बहुत शुक्रिया उदैर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह एक और नई डिगिंग पे आप खड़े हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या व्यू हैं? आए दिन हमारी माशाल्लाह से एक नई कोई ना कोई डिगिंग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आपके क्या व्यू हैं इसके बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सही कह रहे हैं कि अब सिलसिला चल पड़ा ऐसा कि हर हफ्ते में जो है हमें 1-2-3 डिगिंग का टाइम निकालना होता है, करना होता है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि अब ये ड्यूटी आपको या किसी और दोस्त को असाइन करूँ, क्योंकि हमें साथ में अब आपको पता है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट दोनों की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा थोड़ी सी तवज्जो और फोकस उसकी तरफ भी है। और ये जो आज आप समरात देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली ये होता ये है कि जब आप कोई एक काम स्टार्ट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक पेस बनती है, उसका एक मोमेंटम बनता है, तो पेस और मोमेंटम बनता है जब आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है और आपके जो किए हुए प्लानिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसके ऊपर चलते रहते हैं और उसमें फोकस रहते हैं,
तो आज ये सारा कुछ देख रहे हैं बेसिकली ये हमारे 2 साल पहले की जो प्लानिंग थी, 2 साल पहले जो हमारी फोकस था काम के ऊपर, हमारे अपनी कमिटमेंट के साथ लॉयलिटी थी, अपने कस्टमर के साथ लॉयलिटी थी, अपने सिस्टम के साथ हम लोग चल रहे थे, उसका आज ये रिजल्ट है। और अब ये जो मोमेंटम बना है अब आने वाले दोनों में देखिएगा इंशाल्लाह ये मल्टीप्लाई होता नज़र आ रहा है। बेस बन चुकी है, स्ट्रक्चर बन चुका है, टीम ऑपरेशनल है, सारे मीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, और विलाज हम हैंडओवर भी कर चुके हैं, विलाज बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, तो इंशाल्लाह ये मल्टीप्लाई ही होती है आपको नजर आएगी। जी जी इंशाल्लाह फर्दर भी हम बातें करते रहेंगे, जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उस पे इंशाल्लाह मिलते हैं। बस दुआ ये है और कोशिश ये है कि जिसका भी हम विला बनाते हैं जी जी, जिसका भी हम घर बनाते हैं, क्योंकि घर जो है एक ड्रीम है जी, और ज़िंदगी में एक दफ़ा ही घर बनता है, तो एटलीस्ट ऐसा घर ज़रूर बनाने में हम कामयाब हों, अल्लाह हमें उसमें हमारी रहनुमाई फरमाए कि कम अज़ कम उस घर में रहते हुए किसी को प्रॉब्लम ना हो। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।